हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस। जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग ई पी एफ ओ का फ्री कोर्स कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया था 1 मार्च से, शुरू किया था जिसमें हम लोग अकाउंटिंग और लेबर लॉ से शुरू किए थे। धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ कंप्लीट करेंगे। हम लोग जी एस का पोर्सन में भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग मृणाल सर का इकनॉमी और लक्ष्मीकांत का पॉलिटिक कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग डेली जो दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस कोर्स के अंदर? तो डी पी पी डेली प्रैक्टिस पेपर। तो आप जरूर प्लेलिस्ट में डीपीपी होगा, उसको देखिए किस तरह से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ये जो कोर्स है जो दोस्तों, ये आपके ईपीएफओ में जो एओ ईओ का एग्ज़ाम होता है और एपीएफसी का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये फ्री कोर्स है, 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसका सक्सेस रेट 100% है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि मैं खुद ही ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। इसके पहले जो एओ ईओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। इसके पहले मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और ये फ्री नोट्स इसका प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का मेरा अकाउंटिंग का 6 लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, इसके पहले टोटल 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, जीएपी गैप बोलते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें हम लोग कर रहे थे, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत। ये कोर्स हिंदी इंग्लिश में, इसलिए मुझे हिंदी में भी लिखना है, लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, मूलभूत सिद्धांत। तो हम लोग बहुत सारे सिद्धांत कर चुके थे। अगला हम लोग जो सिद्धांत करेंगे दोस्तों, वो करेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता का सिद्धांत बहुत आसान है दोस्तों। आप एक चीज़ माइंड में फिक्स कर लीजिए कि प्रिपरेशन, कोई भी किसी चीज़ का प्रिपरेशन बहुत आसान होता है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम उल्टा पुल्टा सोर्स पढ़ेंगे, हम फालतू का सोर्स पढ़ेंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स कर देंगे प्रिपरेशन को, लेकिन वैसा है नहीं। बहुत सिंपल है प्रिपरेशन, चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो या ईपीएफओ का, क्योंकि मैंने तीनों एग्ज़ाम को जो है दोस्तों मेंस लिखा है तीनों। ईपीएफओ में तो मेंस नहीं होता, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। यूपीएससी का मैंने पीटी निकाला है, यूपीपीसीएस का पीटी निकाला है। ठीक है, इसलिए मुझे पता है कितना डेप्थ में यूपीएससी पूछ सकता है और उससे बाहर हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है। पढ़ने को तो दोस्तों आप पीएचडी भी कर सकते हैं अकाउंटिंग में, लेकिन क्या वो ज़रूरी है? नहीं है ना। इसीलिए वही चीज़ पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है और सिंपल पढ़िए। ठीक है, तो मेरा जो समझाने का तरीका है एकदम सिंपल है। अब देखिए प्लेलिस्ट में जाके कोई भी लेक्चर को खोल दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप 1 मिनट देखने के बाद ही तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। आप सोचेंगे कि इतने समय से मैं सर कहाँ थे, क्यों नहीं मतलब चैनल बना रहे थे। मात्र मैंने चैनल जो है 14 फरवरी को बनाया था। ठीक है, और आज कितना तारीख है दोस्तों? आज समझ लीजिए आपका 10 फेब्रुअरी के आसपास है, 9-10 फेब्रुअरी। ठीक, फिर भी इन इतने ही दिनों में कितने दिन हो गए दोस्तों? मुश्किल से देखेंगे तो 23-24 दिन हुआ है, उसमें से मेरा 2400 सब्सक्राइबर से प्लस हो चुका है। ठीक है, 2500 सब्सक्राइबर, और सब सब्सक्राइबर देखते हैं वीडियो को, और आप उसका कमेंट सेक्शन पढ़िए तो आपको देखिएगा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। ठीक है, मतलब पढ़ा रहे हैं हम अच्छा, है कि नहीं? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो बोलता है रूढ़िवादिता का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं रूढ़िवादी कौन होता है दोस्तों? कौन होता है रूढ़िवादी? जो हार से स्टेप नहीं उठाता है। जैसे पहले का पता है आपको, कांग्रेस भी कंजर्वेटिज्म थी, तो वो कुछ बदलाव नहीं चाहता, वो चाहता था कि जैसा रहे स्टेटस वही मेंटेन करें, हम उसके आगे नहीं बोले, मतलब हम कुछ बढ़ा के भी नहीं बोले और कुछ घटा के भी नहीं बोले, हम क्या बोले, कंजर्वेटिव रहें, मतलब रूढ़िवादी रहें। तो इसका सिद्धांत ये बोलता है दोस्तों कि हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे, लेखांकन जब भी हम लोग करेंगे, तो हम लोग को जो फ्यूचर में, अगर मान लीजिए लॉस होने वाला है, फ्यूचर में प्रॉफिट मान लो होने वाला है लाभ, तो क्या ये लाभ हुआ है? नहीं। तो इसलिए हम लोग उसके लेखांकन जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसको नोट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं कि क्या लाभ होने वाला है, उसको हम लिखेंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए फ्यूचर में कोई लॉस होगा, कोई हानि होने वाला है, हानि, तो उसको हम उस पर विचार करेंगे, उसको लिखेंगे, उस पर लिखेंगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि अगर फ्यूचर में कोई लाभ हो रहा है, प्रॉफिट में लाभ हो रहा है भविष्य में, तो उसको आप नहीं लिखेंगे, लेकिन लॉस होगा, हानि होगा, तो उसको विचार करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक, तो कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्वेटिव है, आप मान के चल रहे हैं भैया फ्यूचर में हो लाभ हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन हानि हो सकता है, चांसेस हैं, मतलब आप रूढ़िवादी हैं। ठीक है, यही बोलता है लेखांकन जब भी करें तो लॉस को आप विचार करें, लेकिन प्रॉफिट को, लाभ को जो है
आप उसको विचार आपको नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखना भी नहीं है लाभ के बारे में, ठीक। अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है ऑब्जेक्टिविटी। देखिए बहुत आसान है अकाउंटिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है। इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु जो है निष्ठता, वस्तुनिष्ठता की सिद्धांत या संकल्पना। तो वस्तुनिष्ठ मतलब अभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम का UPSC हो EPF हो, कैसा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको चार ऑप्शन रहेगा उसी में से आपको टिक मारना है। तो कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव का ऐसा हो कब होगा जब आपको किसी फिक्स चीज़ के आधार पर आप किसी चीज़ को डिसाइड करेंगे, मतलब आपके पास कुछ पैरामीटर है उसके आधार पर डिसाइड करेंगे। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो कैसा होता है सब्जेक्टिव, इसलिए उसका आंसर वैरी करते हैं। कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव होगा इसका मतलब आपके पास कुछ फैक्ट है, कुछ डेटा है, उसके आधार पर कोई आप बात बोल रहे हैं, कुछ अंदाजे में नहीं रख रहे हैं। मेंस में हम लोग लिख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन लेखांकन जब करेंगे तो आपका ना अपना विचार नहीं रखना। जो भी आपके पास कोई बिल है, कोई आपने कुछ सामान खरीदा तो बिल आया होगा, तो बिल के आधार पर ही अपने लेखांकन करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में करेंगे। अपना जो पूर्वाग्रह है, अपना जो प्रिजुडाइस है उसको आप साइड में रखेंगे, समझे, पूर्वाग्रह को प्रिजम्पशन को साइड में रखेंगे। जो भी काम करेंगे वो फैक्ट के आधार पर, फिगर के आधार पर, बिल आपको जो मिलता है उसके आधार पर, कुछ बेचे तो उसका जो रिसिप्ट मिला, रसीद मिला, उसके आधार पर करेंगे, समझ में। उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत, समझ में, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं सारता की संकल्पना। मेटेरियल मतलब क्या होता है, सारता, सारता मतलब इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण, कोई सार बोलते हैं ना, सार, सार मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये बोलता है, लेखांकन बोलता है अकाउंटिंग में कि कोई चीज़ अगर मटेरियल हो ना, मतलब इम्पोर्टेंट हो, मटेरियल हो या इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, तभी उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेखन, मतलब तभी उसको आप लिखो। और लिखते किस में दोस्तों, मैंने बताया था जर्नल में, जर्नल, ठीक है, जर्नल में लिखते हैं। तो बोल रहा कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो ना तभी लिखो। मान लीजिए कल को मीटिंग हुआ, ठीक, बहुत से लोग मिले और सबको जो है समोसा दिया गया, ठीक है। तो समोसा का मान लीजिए एक समोसा 10 रुपये का था, 25 लोग मीटिंग किए, 250 रुपया। और कोई कंपनी है मान लो करोड़ों की कंपनी, 1 करोड़ रुपये, तो क्या कंपनी अपने खर्चे में 250 रुपये लिखेगी, नहीं लिखेगी ना दोस्तों, ये तो छोटा मोटा खर्चा है। तो जो कंपनी के फैसले को प्रभावित नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग नोट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हैं स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी मान लीजिए आपके आपके लिए 10 रुपये भी बहुत है कि नहीं। कल को आपको जॉब करेंगे EPFO में, आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास होगी, ठीक, तो 10 रुपये का उतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना आप स्टूडेंट टाइम में है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी घर से फिक्स पैसा आता है, किसी का 4,000, 5,000, 6,000, कोई घर में रह के पढ़ता होगा तो 10 रुपये अभी के लिए बहुत है आपका, मैगी मिल जाता है 10 रुपये का। जब 1 लाख कमाएंगे तो 10 रुपये का आपके लिए उतना वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब अभी जो है वो मटेरियल है, मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए 10 रुपये, उस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो उस समय आप खर्चे में 10 रुपये नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी अगर आप लेखांकन करेंगे स्टूडेंट लाइफ में तो आप दिखाएंगे कि 10 रुपये मेरा प्याज खरीदा था, 10 रुपये का मैगी खरीदा था, ऐसा। जब इसमें होगा 1-1.5 लाख कमाएंगे तो फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो इसे छोटा मोटा चीज़ है नोट नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा मटेरियलिटी या सार्थक का सिद्धांत कहलाता है, बोलता है कि वही चीज़ को नोट करो, वही चीज़ को लिखो जिससे जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, जिससे फैसला जो है कंपनी का प्रभावित हो, ना कि छोटा मोटा चीज़ को मत लिखो, समझ में। तो इस तरह से जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेखांकन सिद्धांत बोलते हैं, वो हमारा जो है दोस्तों ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन का आधार, का आधार। जैसे अभी आप बैठे हैं चेयर पे, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हैं, तो आपका आधार क्या है दोस्तों, चेयर है ना। तो उसी तरह लेखांकन का भी कुछ आधार होगा। तो लेखांकन जो का आधार जो होता है वो दोस्तों, वो दो टाइप से हम लोग देख सकते हैं। एक होता है कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लागत, एक मिनट रुकिए, एक होता है कॉस्ट नहीं होता है, कैश होता है। एक होता है कैश बेसिस, कैश के आधार पे हम लोग लेखांकन करते हैं,
जिसको हिंदी में बोलते हैं रोकड़, और तीसरा होता है एक्रूवल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आगम, ठीक है। आगम मतलब आने वाला है, कैश मतलब कैश के आधार पे लेखांकन अकाउंटिंग करते हैं, और दूसरा एक्रूवल मतलब आगम के आधार पे। बहुत सिंपल है, भले आपको भी समझने में पढ़ने में अलग लग रहा है। कैश बेसिस जब करेंगे, मतलब रोकड़ जब करेंगे, तो जो दोस्तों अकाउंटिंग का आधार होता है वो होता है कैश बेसिस और दूसरा एक्रूवल। कैश बेसिस मतलब रोकड़, इसमें ये बोलता है कि कोई भी चीज़ का हम लोग लेखांकन करेंगे तब करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे जब हमको कैश मिलेगा। बस हम सिर्फ देखते हैं कि कैश कब मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, जब कैश मिलेगा तब लिखो, ठीक है, जब कैश मिलेगा तब लिखो। वो बोलता है कैश बेसिस, मतलब हम लोग रोकड़ के आधार पे, कैश के आधार पे, कैश मुझे कब मिल रहा है उसके आधार पे अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा मेथड होता है एक्रूवल, एक्रूवल मतलब आगम। ये बोलता है कि कैश कब मिल रहा है वो मत देखो कि कैश मिल रहा है या कैश को तब कब तुम दे रहे हो हमें ये देखना है कि सेटलमेंट कब हो रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, समझ में। तो याद रखिएगा, जब कैश बेसिस में हम लोग देखते हैं सेटलमेंट, मतलब हिसाब किताब कब हो रहा है, कब हम पैसा हम दे रहे हैं और कब पैसा ले रहे हैं, तब उसको बोलते हैं कैश बेसिस, जिसमें हम लोग वो देखते हैं कि सिर्फ कैश ही आधार होता है, रोकड़ ही आधार होता है। एक्रूवल बेसिस में हम लोग ये देखते हैं भाई कि ट्रांजेक्शन कब हुआ, भले पैसा अभी मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। जैसे देखिए एक आदमी है, ठीक है, या आप हैं, आपने मैगी ख़रीदा, ठीक है, मैगी ख़रीदा 10 रुपये में, और किस पे आधार पर ख़रीदा, कैश के आधार पर ख़रीदा आज, और कल आपने मैगी ख़रीदा 10 रुपये में लेकिन उधार पे ख़रीदा। तो जब हम कैश बेसिस करेंगे दोस्त कैश बेसिस अकाउंटिंग करेंगे रोकड़ के आधार पे, तो हम ये बोलेंगे कि जो वन है उस जब, मतलब ये समझ लीजिए आज के, मान लो 9 अभी क्या चल रहा है, 9 मार्च, और ये 10 मार्च। तो जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग करेंगे तो हम लिखेंगे कि 9 मार्च का मेरा खर्चा कितना है, 10 रुपये, ठीक है, और 10 मार्च का खर्चा कैश बेसिस के आधार पे कितना होगा, 0 रुपये, क्योंकि 10 मार्च को हमने उधार में लिया था, कैश में सामान नहीं लिया था, ठीक। लेकिन जब हम एक्रूवल बेसिस कर रहे हैं, एक्रूवल मतलब आगम बेसिस, तो हम इसमें ये देखते हैं दोस्तों कि लेन देन कब हुआ है, लेन देन कब हुआ है, मैगी, भले आपने पैसा नहीं दिया लेकिन मैगी तो आपने लिया ना, लेन देन हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, बस वो देखते हैं। तो हम देखेंगे कि 9 मार्च का मेरा, अगर कैश बेसिस का तो एक्रूवल के आधार पर करेंगे तो ट्रांजेक्शन हो चुका है 9 मार्च को, तो हम लिख देंगे 9 मार्च का खर्चा मेरा कितना है, 10 रुपये, और 10 मार्च का भी खर्चा कितना है, 10 रुपये, क्यों कि दोनों दिन में ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो जहाँ ट्रांजेक्शन हुआ मतलब एक्रूवल बेसिस आया, ठीक है, और कैश बेसिस कब होता है, जब आपको कैश मिल रहा है, तो 9 मार्च को कैश मिला तो लिखेंगे, 10 मार्च को नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। एक्रूवल बेसिस में आपको एक चीज़ और जानना है दोस्तों, एक्रूवल या आगम आधार, आगम के आधार, आपको ये जानना है इसमें कि एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जिस समय का, जिस अकाउंटिंग पीरियड का, जिस लेखांकन अवधि का खर्चा हो वही नोट का वही लिखो। बस समय मान लीजिए कोई खर्चा है या कुछ भी आय है, तो जिस लेखांकन अवधि का है, अगर वही लेखांकन अवधि का है तभी लिखेंगे। जैसे हम बता रहे हैं एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो जुलाई तक टोटल दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर जुलाई, मान लीजिए आपका फ़ी है टोटल 12 महीने का 12,000 रुपये, मतलब पर मंथ 1,000। तो जुलाई तक आपने अगर फ़ी दिया, ठीक है, तो जुलाई में कितना हो टोटल, कितना 8 महीने, 8 महीने कितना लगा,
8,000। और आपने ये बोला कि सर हम जो हैं आने, ये जो आप बोल रहे हैं 4,000, तो आपने क्या किया, दिसंबर को जब ख़त्म हो गया आपका, तो आप पिछले साल का पैसा दिए, तो ये बोले कि इस साल मैंने 8,000 रुपया दे दिया जुलाई तक, और 4,000 रुपया जो है दोस्तों वो मैं अगले साल दूंगा। ठीक है, 8,000 रुपया आपने कैश दे दिया और 4,000 रुपया आपने बोला कि अगले साल देंगे। तो जब हम कैश बेसिस करेंगे तो हम लिखेंगे कि हमारा खर्चा कितना हुआ, 8,000 रुपया। और जब हम एक्रूअल बेसिस करेंगे तो हम लिखेंगे टोटल खर्चा कितना था इस अकाउंटिंग पीरियड का, उसी पीरियड का देखेंगे, टोटल मान लो 12,000 हुआ खर्चा। तो कैश बेसिस के अनुसार खर्चा होगा 8,000, क्योंकि 8,000 आपका कैश गया है अकाउंट, और एक्रूअल बेसिस के आधार पे होगा 12,000। ठीक, तो एक्रूअल बेसिस में हम लोग ये देखते हैं सिर्फ लेन देन कब हुआ है, बस पैसा कब गया है कब नहीं है वो नहीं देखो, देखेंगे कैश बेसिस में। दूसरा केस है, मान लीजिए आप जो एक स्टूडेंट है जो इस साल 12,000 पैसा नहीं देखे, वो 18,000 पैसा दे दिया, मतलब 12,000 इस मंथ का दिया और 6,000 वो नेक्स्ट ईयर का दे दिया। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट है, वो क्या किया, टोटल कितना पैसा दिया, 18,000। जिस टोटल पैसा कितना है दोस्तों, टोटल पैसा कितना है, 18,000 वो दिया, लेकिन फी तो इस साल का कितना था दोस्तों, 12,000 रुपया था, और 6,000 वो तो अगले साल का दिया है। तो जब हम कैश बेसिस करेंगे, अगर हम इस समय का निकाल रहे हैं, इस साल का निकाल रहे हैं खर्चा, तो हम लोग देखेंगे कैश बेसिस में कि मेरा खर्चा कितना गया, 12,000 प्लस आपने नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया 6 महीने का। ठीक है, तो कैश बेसिस में सिर्फ ये देखते हैं कितना पैसा आपके पॉकेट से गया, तो टोटल कितना गया, 12,000 इस साल का गया, 6,000 टोटल आपने कितना दिया था, 18,000। लेकिन जब हम एक्रूअल बेसिस करते हैं तो उसमें भी क्या देखते हैं कि इस जिस समय का निकाल रहे हैं, जिस लेखांकन अवधि का निकाल रहे हैं, बस उसी का खर्चा देखेंगे, आने वाले साल का फ्यूचर का नहीं देखते हैं और पहले वाले का भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना दिया आपने इस साल, मात्र 12,000। तो एक्रूअल बेसिस में हम लोग याद ध्यान रखिएगा, लेखांकन अवधि का भी ध्यान रखते हैं, कितना दिया आपने, 12,000। मान लीजिए इसी साल आपने क्या किया, 24,000 पैसा दे दिया, कितना दिया, 24,000, जिसमें से आपने ये बोला कि सर ये 12,000 इस महीने का है और 4,000 मेरा पहले से बाकी था वो आप ले लीजिए, और 12,000 16 हुआ और कितना, 8,000 जो है आने वाले समय का है। मतलब कोई स्टूडेंट है वो 24,000 रुपया दे दिया टीचर को, बोला कि देखिए 12,000 रुपया मेरा इस साल का है, अब पिछले साल मैंने 4,000 नहीं दिया था तो उसका आप ले लो, तो 12,000 16 और टोटल 24 दिया है, तो 8,000 आने वाले साल का। तो जब हम एक्रूअल बेसिस करेंगे दोस्तों, एक्रूअल बेसिस देखिए कैश बेसिस पे आधार पे, कैश के आधार पे किए, तब मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ, 24,000। लेकिन एक्रूअल बेसिस करेंगे तो सिर्फ हम अकाउंटिंग पीरियड का लेते हैं, पहले क्या पे किया बाद में पे किया नहीं लेंगे। तो हमने पहले सिर्फ इसी साल में कितना पेमेंट किया, 12,000, तो एक्रूअल बेसिस के आधार पे मेरा खर्चा कितना होगा, 12,000। हम लोग पहले वाला जो 4,000 दिए हैं पहले का वो नहीं जोड़ेंगे, और 8,000 आने वाले का नहीं जोड़ेंगे, 8,000 कब जोड़ेंगे, अगले साल, और 4,000 कब जोड़ेंगे, पिछले साल ही जोड़ लेते हैं। मैंने बताया ना एक्रूअल बेसिस में ये नहीं देखते कि पैसा कब दिए, पैसा भले आपने आज दिया हो लेकिन लेन देन आपने पहले ही कर लिया ना ट्रांजेक्शन, तो उसी समय उसको 4,000 को आप नोट कर लीजिए, समझ में। तो यही दो आधार था दोस्तों, कैश बेसिस का, कैश बेसिस मतलब कैश जब पैसा आया और पैसा गया तब देखिए, और एक्रूअल बेसिस में सिर्फ ये देखना है आपको कि वो उस अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए, भले आपका पैसा आया हो या ना आया हो, समझ में आ गया आपको, क्लियर है। इसी से रिलेटेड कुछ टर्म है दोस्तों, एक है आउटस्टैंडिंग, मैंने जो बता दिया हिंदी में करके उसी का इंग्लिश में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि जो खर्चा आपको हुआ है और आपको देना चाहिए लेकिन आपने नहीं दिया, मतलब देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। सिंपल है, मैंने जैसे बताया कि कोई स्टूडेंट है, टोटल खर्चा उसका पढ़ने का हुआ 12,000, लेकिन वो टीचर से बोला कि सर मेरे पास 8,000 ही है, 4,000 मैं अगले साल दे दूँगा, ठीक है 8,000 ही दिया है, तो आपको देना तो चाहिए था लेकिन नहीं दिया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यही होता है कि जो पैसा आपको देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो 8,000 तो आप दे दिए और 4,000 आप नहीं दिए, तो आउटस्टैंडिंग आपका एक्सपेंस कितना हुआ जो आपको देना चाहिए था
4000, क्योंकि 8000 आप दे दिए ऑलरेडी, आपको और कितना देना चाहिए था, 4000, जो आपने नहीं दिया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं दोस्तों, कैश के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि भैया हमने 8000 ही तो दिया था खाली, ठीक है, क्या दिया था, 8000। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग करेंगे रोकड़ वाला, रोकड़ वाले में सिर्फ देखते हैं पैसा, पैसा कितना आपके जेब से गया, 8000। एक्रूवल जब करेंगे दोस्तों, आगम, ठीक है, एक्रूवल मतलब क्या पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, जब ट्रांजेक्शन होगा बस उसी समय देख लेते हैं। इसमें आपको 12000 देना चाहिए था, तो 12000 आपको दिए, ठीक है, 12000 रुपया होगा एक्रूवल के आधार पे मेरा खर्चा, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग जो एक्सपेंस है, अकाउंटिंग एक्सपेंस मेरा कितना था, 4000 रुपया, उसको कैश बेसिस में हम लोग काउंट नहीं किए। कैश बेसिस में किसको काउंट किए, जितना पैसा आपने दिया, जितना देना चाहिए था वो नहीं देना चाहिए था वो आपने इसने काउंट किया, आपने ये तो काउंट करेंगे ही क्योंकि ये इसी अकाउंटिंग पीरियड का है, तो 8000 तो किए ही आप, साथ ही साथ 4000 को भी काउंट कर लिए, जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, जो आपको देना चाहिए था लेकिन आपने दिए, तो टोटल आपका खर्चा निकला 12000। समझ में आया दोस्तों कॉन्सेप्ट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आया, जो खर्चा आपको देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया, इस खर्चा को कैश बेसिस में हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं क्योंकि कैश बेसिस में सिर्फ कैश देखते हैं, लेकिन जब हम लोग एक्रूवल बेसिस करते हैं उसमें हमको इसको काउंट करते हैं क्योंकि ये इसी अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा था भले आपने नहीं दिया हो, ठीक है। दूसरा चीज़ है इसमें प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब नहीं देना चाहिए था लेकिन दे दिया, लेकिन दे दिया, जैसे आपने रिचार्ज करवाते हैं तो हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं हॉट स्टार का 6 महीना के लिए, हम लोग जनवरी से लेके जून तक सब्सक्रिप्शन ले लिए 6 महीने का, मान लीजिए 1800 रुपये लगा हॉट स्टार का, 1800 रुपये लगा 6 महीने का, 1800 नहीं लगता, 300 रुपये लगता है मान लो। तब आपको जो 300 रुपये लगा है, तो क्या आपने जनवरी में जब दे दिए तो क्या आप बाकी आने वाले महीने का यूज कर लिए थे, नहीं यूज किए थे ना, हॉट स्टार थोड़ी ना देखे थे, वेब सीरीज देखे थे क्या, फरवरी वाला अभी है नहीं देखे थे, हम दे दिए पैसा जनवरी को लेकिन उसका जो फ़ायदा उठाएंगे वो जून तक उठाएंगे, तो वैसा खर्चा, एक्सपेंस मतलब खर्चा, और प्रीपेड मतलब पहले आपने पे कर दिया, तो पहले ही आपने क्या कर दिया, आने वाले टाइम का पैसा दे दिया, तो आपको देना नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया ना, ठीक है। तो कैश बेसिस जब हम लोग करते हैं दोस्तों, कैश बेसिस, तो इसमें हम लोग दिखा देंगे कि ये वाला जो खर्चा है मेरा, हमने कैश तो गया हाथ से तो कितना, 300 रुपये, लेकिन जब हम लोग एक्रूवल बेसिस करते हैं दोस्तों, एक्रूवल बेसिस, उसमें ये नोट नहीं करते हैं, क्यों मैंने बताया था, एक्रूवल बेसिस में ये देखते हैं कि जो उसी अकाउंटिंग पीरियड का है, ये जो 300 रुपये था वो तो आने वाले टाइम का पैसा था, लेन देन हुआ है, लेकिन क्या लेन देन जो 300 हुआ था वो उसी अकाउंटिंग समय का हुआ था, नहीं, वो आने वाले समय का हुआ था। दूसरे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको अकाउंटिंग करना है जनवरी से दिसंबर, लेकिन वो किया क्या, कोई उसको देखना था कि हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन मैंने जनवरी से दिसंबर में कितना खर्चा किया, मान लो उसने खर्चा किया 600 रुपये, ठीक, इसमें वो आदमी क्या किया, 2-3 साल का दे दिया पैसा, मतलब आने वाले साल का ही पैसा दे दिया, तो जब कैश बेसिस करेंगे तो जितना वो पैसा दिया है किसी भी साल का तो वो सब लिख देते हैं, लेकिन जब एक्रूवल बेसिस करते हैं तो हम सिर्फ वही खर्चा लिखते हैं जो इस अकाउंटिंग पीरियड का था, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना खर्चा हुआ था, 600, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों, 600। इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्रूवल बेसिस में खर्चा इसमें नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो पैसा दिया जा रहा है वो अकाउंटिंग पीरियड के अगले साल का है, इसमें जो पैसा खर्चा दिया जा रहा है वो जनवरी से दिसंबर तक 600 हुआ, उसके बाद क्या वो पैसा दिया वो एक्रूवल बेसिस पे काउंट नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है आपको। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो पहले से आपने दे दिया है आने वाले टाइम के लिए, उसको कैश बेसिस में लिखते हैं लेकिन एक्रूवल बेसिस में नहीं लिखते हैं, ठीक, अच्छा। और उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था दोस्तों, जो आपने नहीं दिया, तो जो आपने नहीं दिया खर्चा, देना चाहिए था, उसको कैश बेसिस में आपने नहीं लिखेंगे, है ना, कैश बेसिस में इसको हम नहीं लिखे थे, 4000 को कहाँ लिखे थे, खाली 8000 को ही लिखे थे, और जो एक्रूवल बेसिस में लिखे थे, समझ में आ गया। तो ये सिंपल चीज है, कैश बेसिस का सिंपल सा याद रखिए कि कैश अगर आपके हाथ से पैसा जा रहा है तो आपको होगा, एक्रूवल बेसिस में देखते हैं दो चीज़, एक देखते हैं कि क्या वो उसी लेखांकन अकाउंटिंग पीरियड का है, और दूसरा क्या वो सेटलमेंट जो हो रहा है वो अभी हो रहा है, बस सेटलमेंट जब हो तब नहीं देखेंगे, हम लोग लेन देन कब हो रहा है वो देख लेते हैं,
और दूसरा है उसी समय का होना चाहिए जिस पीरियड में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर जो है हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े दोस्तों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद हम लोगों ने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता, मेटेरियलिज्म, ठीक है, सार्थक, ये सब का सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए किस तरह से आपको अकाउंटिंग लग रहा है, क्या आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा समझाने का जो तरीका है दोस्तों वो बहुत यूनिक है। मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स आपको समझा देता हूँ, और यही यूपीएससी में चाहिए। यूपीएससी में सिलेबस है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब सामान्य, जिसको सबको आना चाहिए। हमें पीएचडी नहीं करना है, पीएचडी करना है तो फिर सीए का कोर्स होता होगा, तो वो लोग जो जिनको करना है वो करेंगे। हम लोग का पर्पस है एग्ज़ाम निकालना, ईपीएफओ में सिलेक्शन लेना। ठीक है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ ईपीएफओ में, तो मुझे पता है कि कितना डेप्थ में यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो बस आप बने रहिए इस चैनल के साथ। आज का लेक्चर 6 यहीं पे ख़त्म होता है अकाउंटिंग का। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाके डीपीपी जरूर देखें, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अकाउंटिंग के 5 लेक्चर हो चुके हैं, 6ठा लेक्चर था ये। ठीक है, तो बाकी के भी लेक्चर देखें। लेबर लॉ का भी 1 लेक्चर हो चुका है, मृणाल सर का भी 11 लेक्चर हो चुका है, और लक्ष्मीकांत का भी 10-11 लेक्चर हो चुका है। साथ ही साथ सीसेट, जिसमें आपको बहुत दिक्कत होता है कंप्रिहेंशन में, उसका भी मैंने 3 से 4 क्लास लिया है, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।